नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों आज हम आए हुए हैं दिल्ली की एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रसिद्ध जगह। यहाँ दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जो आपको एक मॉन्यूमेंट दिख रहा है, ये है दिल्ली के मशहूर जो शासक थे सिकंदर लोधी, उनका मकबरा जो कि लोधी वंश के सम्राट थे। दोस्तों ये जो इलाका है इसको हम बोलते हैं जोरबाग, और मैं आपको बताने वाला हूँ आज के वीडियो में पूरी अच्छी तरह से कि आप अगर आप यहाँ आना चाहते हैं सिकंदर लोधी के मकबरे पर जिसे हम बोलते हैं लोधी गार्डन्स, तो आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, क्या आपका ज़रिया और यहाँ पर क्या क्या घूमने के लिए है और किस प्रकार से आप यहाँ घूम सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए पूरा। आज के वीडियो में आपको पूरा इतिहास और पूरी जानकारी आपको इस लोधी गार्डन और इनकी मकबरे की मिलने वाली है, तो बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये जो है ये यहाँ का मुख्य जो मकबरा है वो है जिसका नाम है सिकंदर लोधी, उनका मकबरा ये है। और सिकंदर लोधी आप जानते हैं जैसे कि लोधी वंश के जो सम्राट थे, बादशाह थे, वो थे, सुल्तान थे, ये उन्हीं का मकबरा है सिकंदर लोधी का। और आप देख सकते हैं चारों तरफ से इसको फोर्टिफाइड किया हुआ है, यानी कि इसको चार दीवारी से घेरा हुआ है, जिससे हमें लगता है कि कितना महत्व रहा होगा उस मकबरे का उस समय। तो आप देख सकते हैं ये है यहाँ का मुख्य मकबरा, जो कि जिसके कारण इसका नाम लोधी गार्डन पड़ा है जगह का, सिकंदर लोधी का मकबरा। इसके अंदर वैसे जाना अलाउड नहीं है, लेकिन आप चाहें तो वो गेट लगा हुआ सामने देखिए, इसी के अंदर उनका मकबरा है, तो आप जा सकते हैं। वैसे अभी क्लोज है। देखिए दोस्तों ये जो मकबरा है ऊपर की तरफ, ये जो गुंबद है वो ईंटों से बना हुआ है, आप अगर ठीक से देख पा रहे हैं तो, और जो नीचे का स्मारक है वो पत्थर से बना हुआ है। तो नीचे पत्थर का इस्तेमाल किया गया है और ऊपर ईंट का हमें प्रयोग देखने को मिलता है। दोस्तों ये मकबरे का जो गैलरी है वो पार्ट है, और मकबरे की गैलरी में आप अगर देखेंगे तो आपको हिंदू और मुस्लिम आर्किटेक्चर, खासकर राजपूताना जो आर्किटेक्चर है उसका मिश्रण देखने को मिलेगा देखिए। और अगर आप थोड़ा सा इस तरफ चलेंगे तो हर तरफ से आपको मकबरे के दर्शन होंगे। देखिए ये है यहाँ का मुख्य मकबरा जो कि सिकंदर लोधी का है। तो दोस्तों ये था आपका सिकंदर लोधी का मकबरा, इसके बारे में कुछ जानकारी भी आप देख सकते हैं लिखी हुई है। तो अब दोस्तों चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों ये जो लोधी गार्डन्स है बहुत ही सुंदर जगह है, आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में सुन सकते हैं चिड़ियों की आवाज़। तो यहाँ बहुत सारी चिड़ियों की आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी, बतख यहाँ पर है, एक पॉन्ड यहाँ पर है, तो आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स संग यहाँ पर आके बहुत एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर दोस्तों ये एक प्लेस है, आपको स्टोरी हिस्ट्री के साथ साथ आपको जो नेचर है उसका आपको यहाँ मज़ा देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप वॉक कर सकते हैं और आराम से चिल मार सकते हैं। देखिए यहाँ बहुत अच्छे घास के मैदान बने हुए हैं चारों तरफ, बहुत ही अच्छा फीलिंग आपको आएगा यहाँ पर। और साथ में अगर आप हिस्ट्री लवर हैं तो अपने लिए बहुत कुछ है यहाँ पर, तो बहुत ही सुकून भरी जगह ये दिल्ली के सिटी सेंटर में है। और आपको देखिए यहाँ पर ट्रैफिक का शोर भी नहीं आएगा इतना भीड़ भाड़ वाले इलाके में होने के बावजूद भी, और बहुत ही सुंदर और पीसफुल दोस्तों जगह है। दोस्तों आपको ऐसे यहाँ दुर्लभ किस्म के पक्षी भी मिलेंगे जो आम तौर पर देखने को नहीं मिलते हैं, जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं। दोस्तों अब हम आ चुके हैं एक और यहाँ का मॉन्यूमेंट है, आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये है दोस्तों शीश गुंबज। यहाँ ऐसे दो गुंबज हैं, एक है शीश गुंबज और उसके ठीक सामने आपको मिलेगा बड़ा गुंबज। दोस्तों ये जो शीश गुंबज है यहाँ भी आपको मकबरे देखने को मिलेंगे, कब्र देखने को मिलेंगे। यहाँ जो कब्र हैं उस पर नाम नहीं लिखे हुए हैं किसी कब्र हैं, पर यहाँ पर आपको तीन से चार कब्र देखने को मिलेंगे, आपको मैं दिखाता हूँ आगे से। दोस्तों यह है शीश गुंबज के अंदर का नज़ारा, यहाँ आपको बहुत सारी कब्रें देखने को मिलेंगी, पर ये कब्रें किसकी हैं वो आपको नहीं पता पड़ पाएगा क्योंकि इन पर किसी के नाम अंकित नहीं है। पर इसकी जो दृष्टि है, इसकी जो भौगोलिक जो इसकी रचना है, इसको देख के ऐसा लगता है कि शायद ये भी लोधी वंश के समय की होंगी और किसी उनके उनके रॉयल प्रिंसेस या प्रिंसेसेस या फिर उनके जो खास व्यक्ति रहे होंगे उनकी ये कब्र रही होंगी, क्योंकि इसकी बहुत पास में ही सिकंदर लोधी का मकबरा है। दोस्तों अगर आपको सामने दिखा होगा तो ये है बड़ा गुंबज, और हालांकि इसके अंदर कोई भी कब्र नहीं है, पर अगर आप साइड से देखेंगे इस तरफ तो आपको मस्जिद दिखेगी जिसे बोलते हैं बड़ा गुंबज मस्जिद, और यहाँ की एक बार तो मस्जिद थी है, और ये आपको सामने दिखा होगा बड़ा गुंबज जो देखने में बहुत ही सुंदर है और इस वाले गुंबज की तुलना में बड़ा भी है।
अब हम चलते हैं बड़े गुंबज की ओर। तो आपने मेरे पीछे देखा शीश गुंबज, आप समझ सकते हैं इसका नाम शीश गुंबज क्यों होता है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं शीशे जैसी नक्काशियत किए हैं। और ये है दोस्तों बड़ा गुंबज, जो कि अभी काफ़ी क्षति हो चुकी है इस गुंबज की, पर अभी भी जो इसका मूल ढांचा है वो अभी भी आप देख सकते हैं बना हुआ है अपनी जगह पर। अब इसके अंदर चलते हैं दोस्तों। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये है बड़ा गुंबज और ये है मस्जिद। इस मस्जिद की विशेष बात दोस्तों ये है कि इसके ऊपर भी जो बाकी मस्जिद है उसकी तरह ही अरबी में इंस्क्रिप्शन अंकित है। और दोस्तों बड़ा ही एक सुंदर बिल्डिंग आप देख सकते हैं दोस्तों। ये इसका प्रवेश द्वार, अगर आप इस पर नज़र डालेंगे तो देखिए बिल्कुल जैसे हिंदू आर्किटेक्चर होता है वैसे ही इसका आपको आंगन दिखेगा। दरवाजे पे हाथी ऐसी आकृति आपको देखने को मिलेगी। ये है दोस्तों इसका प्रवेश द्वार। दोस्तों मज़े की बात यह है कि इसमें कोई भी कब्र आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसका प्रयोग क्या था ये बता पाना दोस्तों मुश्किल है। शायद इसका प्रयोग एक बैठक के रूप में किया जाता होगा या और कोई अन्य प्रयोग हो सकता है इसका दोस्तों, क्योंकि इसका कोई भी आज मैं ऐसी कवर देखने को नहीं मिलती है दोस्तों। ये देखिए ये है आपका बड़ा गुंबज। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है बड़ा गुंबज का पीछे का नज़ारा। आप देख सकते हैं यहाँ भी लखोरी ईंट का प्रयोग किया गया, अगर आप पीछे देख पा रहे हैं तो। बाकी पत्थर और ईंट से मिलकर ये इमारत बनी हुई है। बहुत ही सुंदर दोस्तों इमारत है, दिल्ली की बनौता एक ब्यूटीफुल इमारत आप दोस्तों देख सकते हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं हमारे एक मित्र हमारे आए हुए हैं, इनका क्या रिव्यू है इस जगह के बारे में। तो अभी हम रिव्यू लेने वाले हैं भैया का। भैया कैसा लगा आपको ये स्थान? ये जगह मतलब काफ़ी पुरानी है और पीछे एक के बाद एक गुंबज बनी हुई है। और सबसे अच्छा कौन सा लगा आपको? जो इसके जस्ट सामने बना हुआ और ये जो बड़ा गुंबज है, ये तो बड़ा गुंबज है, इसके पीछे भी बना हुआ है एक शीश गुंबज। शीश गुंबज में ज़्यादा अच्छा लगा। और जो पीछे टॉम्ब बना हुआ वो पॉन्ड, वो वहाँ पर ठंडक काफ़ी है। वैसे गर्मी में मतलब दिल्ली में गर्मी बहुत पड़ती है और ये 3 साल के लॉकडाउन के बाद अब हम लोग आ रहे हैं तो काफ़ी ठंडक है यहाँ पर। इतनी तेज़ गर्मी के बाद भी इतनी ठंडक है यहाँ पर, नहीं तो पहले हम लोग आए थे तो भुंज गए थे एकदम। तो दोस्तों अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो बहुत ही एक अच्छी जगह है, बहुत आपको खुला खुला मैदान मिलेगा। दिल्ली के अंदर आपको सवाना के घास के मैदान मिल जाएंगे ऐसा लगेगा आपको, पर बहुत ही सुंदर एक पीस है। तो आपको यहाँ तक मेट्रो मिल जाएगी, जोरबाग करके मेट्रो स्टेशन है वहाँ तक आपको आना है। वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के आसपास ये जो स्थान है और अब यहाँ आ सकते हैं। और मैं दोस्तों आपको रिकमेंड करता हूँ आप ज़रूर आइए, और अगर आप इवनिंग में आते हैं तो और अच्छा है, आप 5 बजे के आसपास आइए तो आपको एक पीसफुल नज़ारा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था जोरबाग के पास सिकंदर लोधी की जो कब्र है जिसे बोलते हैं लोधी गार्डन, यहाँ से हम लोग थे। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी वीडियो में हम मिलते हैं कहीं और जगह किसी और जगह पर। तब तक के लिए धन्यवाद।